हाय एवरीवन दिस इज वरोनिका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है व्हाट इज़ टोमेटो फ्लू इसके बारे में रिसेंटली आपने न्यूज़ में हर जगह सुना होगा डिटेल में हम इसको कवर करेंगे कि टोमेटो फ्लू क्या होता है या फ्लू जनरली टर्म हम किस लिए यूज़ करते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल ही मिलेगा Uh, देखिए ओके okay, इस डिस्काउंट कोड के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टडी आईक्यू के कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगी इसके लिए आपको विजिट करना होगा स्टडी आई की वेबसाइट इस तरह से आप देख सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम यहाँ पे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ढेर सारे कोर्सेज़ अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो स्टडी आई क्यू कवर करता है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यू पी एस सी के कोर्स के बारे में यू पी एस सी सी एस सी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा अबाउट ऑथर्स तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा ये कोर्स जो है वो बनाया गया है डेमो वीडियोस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोर्स कंटेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे कवर किया गया है जैसे कैप करंट अफेयर प्रोग्राम है इसको अपडेट किया जाता है पॉलिटी व्यू मोर का ऑप्शन है और यहाँ पे देन वी हैव आर पैकेजेस पैकेजेस यानी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम हर एक में अलग अलग सर्विस आपको दी जाती है क्या क्या सर्विसेज हैं ये मैं आपको बताती हूँ बाय नाउ पर अगर आप जाएं तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि स्टडी आई का मिशन और विजन यही है अफोर्डेबल एजुकेशन का बेस्ट फैकल्टी द्वारा ये कोर्सेज इसको इस तरीके से बनाया गया कि इसमें हमने स्ट्रैटेजी भी इंक्लूड करी है पी पी एमसीक्यूज के साथ करंट अफेयर प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पर इसका चला रहे हैं और हर बार फिल्म से पहले एक सक्सेस प्रिलिम्स जिसको एस बोलते हैं वो स्टडी आई लॉन्च करता है क्रैश कोर्स टाइप नाउ अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो देखिए सिल्वर लेना चाहेंगे तो वैलिडिटी ट्वेल्व मंथ्स है ट्वेंटी थाउजेंड का कोर्स है सिक्सटी टू परसेंट ऑफ भी आपको यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए सिक्सटी टू परसेंट ऑफ अगर आप मार्केट में ये कोर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको उस हिसाब से अफोर्डेबल लगेगा और क्वालिटी वाइज अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर आपको स्टडी आई की प्रोवाइड कर रहा है और सबसे बढ़िया कोर्स हमारा प्लाटिनम का है क्योंकि प्लाटिनम में यहाँ पे आपको ये सब फ़ीचर्स मिल रहे हैं कि आपको लेक्चर्स पीपीटी नोट्स एम सी क्यूज ऑफलाइन लर्निंग एक्सपर्ट्स जो हमारी बैकन टीम है वो आपके डाउट्स भी क्लियर करेगी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो एक लिमिटेड बैच को लेकर जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे सो so, आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर यहाँ पर जो डेमो वीडियोज़ हैं हमको चेक कीजिए इससे बेहतर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोर्सेस और जिस तरह से मैंने आपको बताया ट्वेंटी थाउजेंड कोर्स तो उसके बाद भी आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं जैसे वीरो थ्री थ्री है इस पर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ़ आपको कोर्स पे मिलेगा आप कोई भी कोर्स यहाँ पे ले रहे हैं तो अभी मैंने आपको यूपीएससी वाले कोर्स के बारे में यहाँ पे बताया है यूपीएससी सीएससी के कोर्स के बारे में तो वहाँ पे भी ये डिस्काउंट कोड आपका चलेगा और टाइम टू टाइम कोई त्यौहार होता है या कुछ होता है या कभी फ्लैश सेल आप देखते हैं बीच में हमारी कभी कभी चलती है जिसमें आपको डबल वैलिडिटी भी मिलती है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं स्टडी आई क्योंकि तो आप काफ़ी फ़ायदा कोर्सेज के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू आर टॉपिक कि टोमेटो फ्लू एक आउटब्रेक जो है वो केरला में देखा गया कहाँ पे कोलाम डिस्ट्रिक्ट में इस वजह से बहुत पैनिक इस डिस्ट्रिक्ट में हो गया है क्योंकि ये जो मिस्टीरियस सी डिज़ीज़ है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते 80 बच्चों में इसको डिटेक्ट किया गया और सबकी उम्र अगर आप देखेंगे वो पाँच साल से नीचे नीचे है फाइव इयर्स के नीचे नीचे ये बच्चे हैं अलर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कर दिया गया है केरला के टोमेटो फ्लू के बारे में और यहाँ पे देखिए टोमेटो का पिक्चर तो है साइड में और नाम भी इसका टोमेटो है आ, बट टोमेटो से इसका ऐसा कुछ लेना देना नहीं है नेबरिंग स्टेट्स में भी इसका फैलने का डर है तो फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है कर्नाटका ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है प्रिंट मीडिया में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं देखिए अलग अलग जगह इसको टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू ने भी कवर किया है ना वॉट ज दिस टोमेटो फ्लू अब टोमेटो फ्लू में क्या होता है बेसिकली ऐसे टोमेटो के शेप जैसे या रेड कलर के रैशेज या ब्लिस्टर्स जो हैं वो बच्चे की बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं जो कलर है इन रैशेज का वो रेड कलर का है और जो ब्लिस्टर्स अगर यहाँ पे हो रहे है, वो हैं वो टोमेटो शेप्ड हैं जब इसको टोमेटो फ्लू यहाँ पे कहा गया है ये एक अन फीवर है कि मतलब अगर आप देखेंगे इसके पीछे का क्या रीजन है किस वायरस की वजह से हो रहा है या क्या है उसके बारे में हमको खास जानकारी नहीं है लेकिन बिकॉज ऑफ द टोमेटो शेप्ड ब्लिस्टर्स इसका नाम टोमेटो फ्लू यहाँ पे रखा गया है सो यू कैन कॉल इट अन आइडेंटिफाइड फीवर कॉज जैसे मैंने आपको बताया इसके पीछे का वो अभी मालूम नहीं है वायरल फीवर है और आफ्टर इफेक्ट्स इसके ऐसे हैं जिस तरह से डेंगी के या फिर चिकनगुनिया के आफ्टर इफेक्ट्स आप देखते हैं पेशेंट्स में उस तरह के आफ्टर इफेक्ट्स बच्चों को दिख रहे हैं या वायरल फ़ीवर उस तरीके से हो रहा है स्पेशली जो बच्चे पाँच साल से नीचे हैं सिम्टम्स में क्या आ रहा है यहाँ पे स्किन इरिटेशन हो रही है ये जिस तरह से आप देख सकते हैं ये रैशेस पड़ रहे हैं बॉडी एक्स हो रहे हैं बच्चे को काफ़ी थकावट महसूस हो रही है नॉलजिया हो रहा है छींकें बहुत ज़्यादा लग रही हैं खांसी हो रही है डिहाइड्रेशन इसका सिम्टम है पेट में दर्द या जॉइंट स्वेलिंग हो रही है कलर का जो जो हैंड्स के कलर है उसमें डिसकलरेशन हो रही है नीज बॉटिक्स डिहाइड्रेशन ये सब सिम्टम्स इसके हैं और कुछ केसेस में तो जो कलर लेग्स का कलर है या हैंड का कलर है वो भी चेंज हो रहा है तो ये तो आ गई सिम्टम्स की बात अब हम इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अब ये जो वायरल इन्फेक्शन है टोमेटो फ्लू अब जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है बट एट्टी अस्सी बच्चों का इन्फेक्ट होना छोटी बात भी नहीं है तो यही है कि हाइड्रेटेड रखें अपने बच्चों को बॉइल्ड पानी उनको पिलाएं क्योंकि बहुत बार कुछ इस तरह की जो वायरल डिजीज़ेस होती हैं गंदा पानी पीने से भी होती हैं तो बॉईल करके पानी पिलाएं और जो ब्लिस्टर्स अगर टोमेटो फ्लू से हो रहे हैं उनको फोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आदत होती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो डोंट अंडरस्टैंड दिस राइट तो वो उन ब्लिस्टर्स को फोड़ देते हैं बर्स्ट कर देंगे तो उनको बर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है डोंट लेट द द्लिस्टर्स फॉर्म बाई टोमेटो फ्लू क्रैक तो उनको आप क्रैक ना होने दें अपना जो डिस्टेंस है इन्फेक्टेड पर्सन से वो थोड़ा दूरी उनसे बना के रखें और एक्सेलेंट हाइजीन यहाँ पे मेंटेन करें जो कि डिजीज़ पर्सन के लिए भी ज़रूरी जो बीमार है उसके लिए भी हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको टोमेटो फ्लू के चलते कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए तमिलनाडु में भी इसका सर्वेलेंस चल रहा है डिस्ट्रिक्स uh, जो हैं नेबरिंग केरला के मेडिकल टीम वहाँ पर टेस्ट कर रही है जो भी लोग एंटर कर रहे हैं कोयम्बटूर में उनको फीवर राशेज़ किसी तरह की बीमारी के लिए चेक किया जा रहा है तो आप देखेंगे बॉर्डर पे भी इस पर अलग अलग जो नेबरिंग स्टेट्स हैं केरला की जैसे कोयमटूर एकदम बॉर्डर पे आता है केरला और तमिलनाडु के तो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है ताकि अगर कोई भी केस है उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए दो मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो टी हर एक इस तरह की जो टीम्स बनाई गई हैं उनको लीड कर रहे हैं कि जो पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है गाड़ियों को चेक किया जा रहा है ऑलमोस्ट मई 11 की ये बात है ट्वेंटी फोर मेम्बर टीम बनाई गई है बच्चों को चेक करने के लिए जिनकी उम्र पाँच साल से नीचे है हर आंगनवाड़ी में क्योंकि आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं उनको चेक किया जा रहा है अब बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्स जो हैं दक्षिणा कन्नड़ उडुपी कोडागू मैसूरू इनको भी डायरेक्ट किया गया है कि आपके स्टेट में भी जो एंटर कर रहा है उन पर ध्यान रखो बच्चों को मॉनिटर करो कोई भी साइन सिम्टम्स ओपीडीज में आ रहे हैं तो वहाँ पे बताया जाए सो दिस वॉज़ अबाउट टोमेटो फ़्लू अब जनरली हम फ्लू जैसे बोलते हैं अगर हम सी डी सी की माने तो फ़्लू वैक्सीन्स लगाई जाती हैं ताकि किसी भी तरह का फ्लू उसके सिम्टम्स को हम कर कम कर सकें फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट फ़र्क हमको दिखता है यूजली uh, हर डिफरेंट सीज़न में आप देखेंगे डिफरेंट फ्लू वायरसेस जो हैं वो आते हैं और फ्लू वैक्सीन से मैच भी करते हैं जिसमें फ्लू वायरस में वायरस की वजह से हो रहा है आपका स्टफी नोज हो जाएगा जुकाम जैसा लगेगा खांसी होगी सोर थ्रॉट होगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगी अब अगर कोल्ड हो रहा है नॉर्मल कोल्ड है तो आपके सिम्टम्स जल्दी ठीक हो जाएंगे इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होगी थोड़ी बहुत होगी बट यू विल बी फाइन सून बट जब इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो सिम्टम्स आपके थोड़े सीवियर हो जाते हैं बॉडी में बहुत दर्दें हो जाती हैं आपको पेन फील होगा फीवर होगा एग्जॉस्टन भूख नहीं लगेगी तो दिस इज़ जनरली फ़्लू के ये सिम्टम्स रहते हैं बट अलग अलग तरह के फ्लू होते हैं जिस तरह से मैंने बताया नॉर्मल कोल्ड होता है तो उससे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनकेस इन्फ्एंज़ा वायरसेस की वजह से हो रहा है क्योंकि इन्फ्लुएंजा ग्रुप में जितने भी वायरसेस आते हैं अगर आप उनका जेनेटिक मेकअप देखेंगे कि डीएनए लेवल पे वो वायरसेस एक जैसे हैं उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है और वो ह्यूमंस की रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं क्योंकि इन्फ्लेंजा वायरस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और सब टाइप्स आते हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं अब जैसे फोर टाइप के फ्लू वायरसेस हैं ए बी, सी डी और इनको फर्दर आप सब टाइप्स में भी आप कुछ आगे वाले स्ट्रेन्स हैं जिनमें डिवाइड आप उनको कर सकते हैं तो यू कैन जस्ट सी किस तरह के इन्फ्लुएंज़ा वायरस हैं सी डी फ्लू पैंडेमिक एच वन एन वन स्वाइन फ्लू एच फाइव एन वन बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा बी इन्फ्लुएंजा ए सीजनल फ़्लू तो इस तरह के अलग अलग फ्लू अलग अलग सीज़न्स में आते रहते हैं तो इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं कि किस तरह के सब टाइप्स हैं क्लैड हैं सब क्लैड्स हैं नेक्स्ट स्वाइन फ्लू आपने देखा था एक बार बहुत फैला था पिग्स से ओरिजिनेट होता है बट अल्टीमेटली ह्यूम को भी इन्फेक्ट करता है प्रिवेंशन मेथड ये है कि आप अपने हाथ जो है उनको प्रॉपरली वॉश करें हर बार ये कहा जाता है बट अब पैंडमिक के बाद शायद ये चीज़ें हमें और भी अच्छे से समझ आ चुकी हैं सैनिटाइज़ करके रखें घर को अपने हाथ को जो आपके सरफेसिज हैं जहाँ पर आप टच कर रहे हैं वैक्सीनेशनस लीजिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना है सेल्फ मेडिकेशन इस केसेस में आपको नहीं करनी चाहिए दैट वाज स्वाइन फ्लू देन यू हैव बर्ड फ्लू वाइल्ड बर्ड से स्प्रेड होता है लाइफ स्टॉक से ह्यूमंस में आता है ह्यूमंस uh, में ऑल दो काफ़ी रेयर ट्रांसमिशन होती है बट थ्रू पोल्ट्री कई बार हो जाती है लेकिन इसका मॉर्टिलिटी रेट यहाँ पर हाई है तो बर्ड फ्लू से डेंजर ह्यूमंस को भी हो सकता है तो दैट इज़ अ रीज़न फॉर कंसर्न सीजनल फ्लू हो गए एपिडेमिक्स हो गए एपिडेमिक्स आपके उस तरह के सीजनल फ्लू हैं जो हर साल होते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं पैंडमिक फ़्लू तो आप समझिए ग्लोबल आउटब्रेक हो गया कि पूरी दुनिया में ही हो रहा है सो so, इस तरह से ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लू हैं जिनकी वैक्सीनेशंस हम अलग अलग टाइम टू टाइम लेते रहते हैं बट जब तक जेनेटिक मेकअप सेम है वो काफ़ी हद तक काम करती हैं बट इन सम केसेस समटाइम्स दे डोंट वर्क आल्सो तो हम लोगों को हर सिम्टम को लेकर केयरफुल होना चाहिए एंड वी शुड नो कब डॉक्टर को दिखाना है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है न तो क्वेश्चन फॉर यू इज वट इज़ द कॉज कॉजल एजेंट ऑफ़ चिकन गन्या नेमाटोड वायरस फंगस नॉन क्लोरोफेलिस बैक्टीरिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करके पोल में पार्टिसिपेट करके इसका आंसर जान सकते हैं बाकी यू कैन विजिट वेबसाइट कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं वेबसाइट कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बताया कोर्सेज आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं थैंक यू सो मच